नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 4 अगस्त दिन रविवार इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या श्रावण अमावस्या। इस दिन भगवान शनिदेव और महादेव के आशीर्वाद से बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग काल सर्प योग। 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोड़पति माला माल। यूं कहें कि अब भगवान शनिदेव और महादेव की कृपा से 12 राशियों में से 6 राशि वालों को 4 अगस्त यानी कि श्रावण अमावस्या के दिन स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से। अब भगवान शनिदेव स्वयं इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं और अब इन 6 राशि वालों के जीवन में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे अब ये 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये राशियां कौन कौन सी है जो भगवान शनिदेव की कृपा से 4 अगस्त श्रावण अमावस्या के दिन करोड़पति बनने वाली है, धन से मालामाल बनने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपको उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान शनिदेव और महादेव के सभी भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान शनिदेव की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, शास्त्रों में सभी अमावस्यों में श्रावण अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण अमावस्या श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को बहुत महत्व है। हरियाली अमावस्या, जिसे सावन अमावस्या या श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर के श्रावण माह के अमावस्या को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। श्रावण मास मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो धरती को हरियाली की चादर से ढक देता है। यही कारण है कि श्रावण अमावस्या के त्यौहार को हरियाली का त्यौहार कहा जाता है। हरियाली अमावस्या श्रावण शिवरात्रि के एक दिन बाद आती है, जो चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। हरियाली तीज 3 दिन बाद यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया को बुधवार 7 अगस्त को मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या 2024 इसलिए खास है क्योंकि इस दिन 5 शुभ महायोग बनेंगे, एक दुर्लभ संयोग जो पिछली बार एक सदी से भी पहले बना था। शुभ योग 1 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक। सिद्धि योग 31 जुलाई को शाम 7 बजकर 6 बजे से 1 अगस्त को दोपहर 3 बजकर 16 मिनट तक। गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये तीनों योग 1 अगस्त को सुबह 6 बजकर 18 मिनट से अगस्त को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त के महीनों में आती है। अन्य अमावस्यों की तरह ये हिंदू समुदाय के लोगों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है।
हरियाली अमावस्या को वर्षा ऋतु के त्यौहार के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या का त्यौहार भगवान शिव को समर्पित है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं और अच्छी बारिश और भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। माना जाता है कि हरियाली अमावस्या पर शिव पूजा से धन और समृद्धि आती है। भक्त भगवान शिव को समर्पित वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं और उनकी स्तुति में भजन गाते हैं। पूरे देश में भगवान शिव के मंदिरों में विशेष दर्शन और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। दिन में सभी पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों की, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शनिदेव की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि आपके ऊपर भगवान शनिदेव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है। भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हैं। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी मेष राशि वालों, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके रुके कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मेष राशि वालों आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की आपके लिए संभावना बन रही है। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। शनिदेव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपकी पूर्णता पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है वृषभ राशि।
वृषभ राशि वालों को बता दें कि अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द कोई शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य पूरे होंगे, सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शनिदेव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे सभी परेशानियां दूर होंगी। और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वे कार्य भी अब आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं के अब झंडे गाड़ देंगे, जिससे दुनिया आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें, ना केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के पूरे योग हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी और भगवान शनिदेव अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और सफलता की प्राप्ति कराने वाले हैं, जिससे कन्या राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें, आपको ना केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज द्वारा आपकी काफ़ी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। इसके साथ ही साथ काफ़ी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में भी होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको
अपार खुशियों की प्राप्ति होगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा, सिंह राशि वालों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपको बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें, जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें, आपके रुके हुए कार्य भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें कि आप लोगों के ऊपर भगवान शनिदेव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो परेशानी थी दूर हो जाएगी और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन में खूब वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से धनु राशि वालों, आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कुंभ राशि वालों, आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वे कार्य अब आपके सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। उनको हर तरफ से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियां मिलने वाली है। भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलेगा। साथ ही साथ आपके व्यापार भी जो भी रुकावटें आ रही है वे रुकावटें खत्म होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर कुंभ राशि वालों बन रही है। समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। जी हाँ दोस्तों, अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है। आपको आने वाले समय में अब आय और नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांति व आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा और इसमें एक धन लाभ प्राप्ति के आपके अनेक योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव की कृपा से ही मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है जिससे आपके जीवन में
आएगी खुशियां ही खुशियां। जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होने वाली है। संतान प्राप्ति का सुख मिथुन राशि वालों अब आपको मिलने वाला है, जिससे घर परिवार में होंगी खुशियां ही खुशियां। कहना गलत नहीं होगा मिथुन राशि वालों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें। ये थी वो राशियां जिनके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है। दोस्तों, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।